Hello friends, my name is Rahul Kumar and welcome again in my YouTube channel. In this video, we are going to start the second part of the solution of CBSE sample paper 1920. Okay, मतलब हम लोग second part मतलब section B को start कर रहे हैं जो कि 2 marks के question होंगे. ठीक है, इसके पहले के videos मतलब objective type question section एक एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं. नीचे दिया जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हैं, वहां आपको लिंक उसका मिल जाएगा. ठीक है, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं सी सेक्शन सी और डी भी अपलोड कर दूंगा. ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सेक्शन बी को. क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 102 and 998 विच आर डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ. मतलब क्या करना है, 102 और 998 के बीच में वैसे नंबर्स को फाइंड करना है जो कि 2 और 5 दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो. ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप कीजिएगा क्या, मतलब दो नंबर्स के बिटवीन निकालना हो. ठीक है, और साथ ही साथ बोला जाए कि दोनों से हो. ठीक है, ठीक है, तो कीजिएगा क्या कि जब भी इस टाइप का आ जाए, तो अगर मान लीजिए थर्ड भी आता तो उससे भी कोई घबराने वाली बात नहीं होती. ठीक है, कीजिएगा क्या कि दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा. एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. अब देखना है कि 10 से ही आगे मल्टीपल होते चला जाएगा. ठीक है, जैसे 102, ठीक है, 102 10 से डिवाइड होगा क्या, नहीं ना. तो आगे अगर जाइएगा तो 110 आपका 10 से डिवाइड होगा. ठीक है, अब कुछ करना है नहीं, 10 मिला हुआ आगे 10 लेके जोड़ दीजिए, आगे 10 लेके जोड़ दीजिए. ठीक है, लास्ट में जाइएगा तो 998 ये तो 10 से डिवाइड होगा नहीं. ठीक है, तो क्या कीजिए, यहाँ पे 990 10 से डिवाइड हो जाएगा. मतलब फर्स्ट टर्म मेरा ये हो गया, लास्ट टर्म मेरा ये हो गया. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, तो इसको हम लोग ए बोल दे क्या, ए या फिर ए वन भी बोला जा सकता है इसको. ठीक है, ये ए टू और ये ए थ्री डैश ये ए एन. ठीक है, एन फाइंड करना है. यहाँ से ए पता चल गया मेरे पास कितना, 110. डी पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. ठीक है, एन नहीं पता है लेकिन ए एन हम लोग को पता है. एन कितना दिया गया, 990. ठीक है, चलिए एन का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है. ठीक है, और इधर कितना दिया गया, 990. ए का वैल्यू कितना है, 110 प्लस एन माइनस वन इंटू डी. डी डी कितना है, 10 है, और इधर 990. इस टर्म को उधर ले जाइए तो एन माइनस वन इंटू 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 110 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 880. ठीक है, और ये 10 ये इससे कैंसिल हो गया 0 0, तो एन माइनस वन इक्वल टू 88. तो एट n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 88 प्लस 1 इक्वल टू 89 विल बी योर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22 देखिए मेरे पास का क्या है, प्रूव दैट द रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर. मतलब क्या करना है, क्या कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है मेरे पास, एक मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये क्या है मेरे पास, रेक्टेंगल है, और ये क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब इसको क्या कर रहा है, ये सर्कल जो है, सर्कल को घेरे हुए. ठीक है, इसके सर्कमफेरेंस से चारों तरफ से घिर के बना हुआ है क्या, रेक्टेंगल. और आपको प्रूफ क्या करना है, जो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है मेरे पास, ये क्या है, ये अभी रेक्टेंगल है, तो आप प्रूफ क्या करना है आपको, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, चल तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे अपने मन से जहां जहां टेंजेंट यहाँ पे टच कर रहा है वहां पे कुछ अपने मन से पॉइंट मान लेंगे, ई एफ जी एच. ठीक है, चल अब अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये ज्योमेट्री का पार्ट है और आप लोग को बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये हार्ड लगता होगा, लेकिन यहाँ पे हार्ड मैं नहीं लगने दूंगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कंडीशन क्या है, मेरे पास क्या दिया गया, रेक्टेंगल दिया गया, इसका मतलब क्या, रेक्टेंगल दिया गया मतलब इसका क्या, कि ये इक्वल टू ये हो जाएगा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, ये इक्वल टू ये हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये इक्वल टू ये हो जाएगा. तो ऐसा लिख ले क्या, ऐसा लिख लें क्या कि ए बी इक्वल टू सी डी लिख लें क्या, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, और बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, यहां तक किसी को दिक्कत. ऐसा क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है. ठीक है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ये एक स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं. चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो मेरे पास दिया गया है साइड, जो मेरे पास दिया गया है साइड इक्वल, उसी को कंसीडर करके चलेंगे. मतलब क्या, ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे और इसको कंसीडर करेंगे, दोनों को ऐड करने का काम करेंगे. ठीक है, आप इन दोनों को भी ऐड करके कर सकते हैं, इन दोनों को भी ऐड करके कर सकते हैं, लेकिन ऐड करने का एक कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट से इधर भी टेंजेंट जा रहा है, इधर भी टेंजेंट जा रहा है. ठीक है,
तो इसका मतलब क्या, ए इक्वल टू ए एच हो जाएगा क्या, ए इक्वल टू ए एच हो जाएगा क्या, क्योंकि ये टेंजेंट है और किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। तो हम लोग बस ऐसा पहले लिख लेते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच, ठीक है, इसको वन मान लीजिए, ठीक है। एम क्या हम लोग का, ए बी और सी डी को लेके चलना, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल दिया गया, ठीक है। चलिए ए बी के लिए मेरे पास ए आ गया है, चाहिए क्या, अब बी ई चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे बी ई इक्वल टू बी ई इक्वल टू बी एफ लिख ले क्या, क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट है और एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये इक्वल टू ये लिख ले क्या, तो यहाँ पे हम लोग इसको बी एफ लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन टू मान लीजिए, ठीक है। इसका काम खत्म, अगर ए प्लस बी करेंगे तो ए बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ऊपर वाले से मतलब है मेरे पास, तो ऊपर वाले में देखिए डी जी डी जी डी जी इक्वल टू ए डी एच हो जाएगा क्या, क्योंकि ये मेरे पास टेंजेंट है और किसी एक पॉइंट पे मैच कर रहा है, तो डी एच डी जी इक्वल क्या, डी एच हो जाएगा, डी जी इक्वल टू डी एच हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं डी जी इक्वल टू डी एच, यहां तक की कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। अभी इन दोनों, इसका तो पूरा पार्ट हो गया, लेकिन इसका भी इतना ही पार्ट हुआ है, ये पार्ट बाकी है। तो अगर हम लोग इसको करना चाहें तो सी जी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा क्या, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, इक्वेशन फोर मान लीजिए। अब बस कुछ कीजिए नहीं, सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। इधर वाला इधर के साथ ऐड हो जाएगा, इधर वाला इधर के साथ ऐड हो जाएगा, बस ऐड करना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा प्लस बी ई आ जाएगा प्लस डी जी आ जाएगा प्लस सी जी आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, ए एच आ जाएगा प्लस बी एफ आ जाएगा प्लस डी एच आ जाएगा प्लस सी एफ आ जाएगा। आखिर ऐसा इतना तामझाम क्यों करें, ठीक है, रीजन तो होगा ना। चलिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता है ये बराबर है, ठीक है, और ये इसके बराबर है। अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि कोई जो बराबर साइड है किसी दूसरे साइड वाला के बराबर हो जाए, ठीक है, मान लीजिए ये साइड इसके बराबर हो जाए तो ये साइड चारों के बराबर हो जाएगा क्या, ठीक है, उसी कंडीशन से चारों साइड एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यही कारण है कि हम लोग दो जो गिवन साइड इक्वल दिया गया उसी से लेकर चल रहे हैं, और एम क्या है कि ये जो गिवन है उससे दूसरा इक्वल कर दे, जब ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या कि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये इसके भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये पहले से इसके इक्वल है तो चारों के बराबर हो गया, ठीक है। तो आइए वही करते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बीई, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ए बी लिख रहे हैं क्या, ठीक है, प्लस साइन प्लस दे दीजिए। चलिए डी जी प्लस डी जी प्लस सी जी डी जी प्लस सी जी कितना हो जाएगा मेरे पास, सी डी हो जाएगा क्या, तो बस लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ए एच ए एच ए एच ए एच और क्या मिलाना है हमको, डी एच, ए एच प्लस डी एच कितना हो जाएगा मेरे पास, ए डी हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे ए डी लिख लीजिए। प्लस बी एफ प्लस सी एफ कितना हो जाएगा मेरे पास, बी सी हो जाएगा क्या, तो बस ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे कीजिए क्या, देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या दिया गया, सी डी दिया गया, तो हम लोग जहां जहां ए बी है वहां सी डी रख सकते हैं क्या, तो बस रख लीजिए, या फिर जहां जहां सी डी वहां ए बी रख सकते हैं क्या, तो बस वैसा ही करेंगे, सी डी के बदले ए बी रख रहे हैं, तो ए बी ऐसे ही छोड़ दीजिए, और सी डी के बदले क्या रख रहे हैं, ए बी रख रहे हैं, तो ए बी रख लीजिए, इक्वल का साइन। अब इधर भी देखिए बी सी इक्वल टू क्या दिया गया, ए डी दिया गया, मतलब क्या, जहां जहां बी सी का वैल्यू वहां ए डी रख सकते हैं, और जहां जहां ए डी का वैल्यू वहां बी सी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए डी के बदले बी सी रख रहे हैं, तो हम लोग ए डी के बदले बी सी पुट कर लेते, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, टू ए बी इक्वल टू टू बी सी आ जाएगा, ठीक है, टू टू कैंसिल, मतलब ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी, ठीक है। ए बी इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, मतलब क्या, ये इसके भी बराबर हो गया, जब ये इसके बराबर हो गया तो ये इसके बराबर, तो इसके भी बराबर हो गया, और ये आपस में बराबर है, मतलब इसी कंडीशन से चारों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब चारों साइड बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या हो गया, वो एक स्क्वायर हो गया, हेंस ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू डी ए, हेंस क्या हो गया, ये हेंस इट इज, मतलब वो स्टेटमेंट लिख के स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें कह क्या रहा है, आप फिगर अच्छे से देखिएगा, इन द गिवन फिगर डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर, मतलब क्या बोल रहा है, डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा ज्योमेट्री का, तो उसमें कुछ ना कुछ क्लू दिया रहता है, उसी क्लू से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सैंपल पेपर करा रहा हूं मैं, जब चैप्टर भी कराऊंगा तब भी ऐसा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए मेरे पास क्या दिया गया है, डी ई एफ जी इज ए स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि ये इन दोनों के पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, ठीक है, इतना पैरेलल है मेरे पास, क्या कह सकते हैं हम, डी डी जी पैरेलल सबसे पहले ई एफ के,
ईएफ के, डीजी पैरेलल ईएफ के, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, डीई पैरेलल जीएफ के, ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, और साथ साथ क्या कर सकते हैं, जीएफ, ये वाला जीएफ इक्वल टू हो जाएगा ईएफ के, और ये इक्वल हो जाएगा डीई के, और ये इक्वल टू हो जाएगा इतना। ठीक है, क्वेश्चन में इतना दिया गया है। चलिए अब इससे आगे बढ़ेंगे। एंड एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री, एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री, मतलब वो 90 डिग्री दे दिया गया है, और साथ ही साथ ये मेरा स्क्वायर है, तो यहाँ भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ठीक है, ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए प्यार समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हम लोग को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एफ जी का स्क्वायर इक्वल टू बी जी इंटू एफ सी। ठीक है, मतलब क्या, एफ जी का इसका स्क्वायर इक्वल टू बी जी इंटू एफ सी। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्लास टेंथ की बात हो रही है, तो हम लोग दो ही चैप्टर पढ़े हैं ज्योमेट्री में, क्या क्या, एक ट्राइंगल और एक सर्कल। ठीक है, यहाँ क्या दे दिया गया, स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ स्क्वायर का कहाँ यूज करेंगे, ये जो दिया गया और पैरेलल दिया गया इसका, इसमें यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को जरूरत का है कि यहाँ सर्कल तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, हम लोग ट्राइंगल करेंगे, और इसको क्या करेंगे, इन सभी में रिलेशन लाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, इससे इस ट्राइंगल से ये आ जाएगा, इस ट्राइंगल से ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, सिमिलैरिटी प्रूव करना है। ठीक है, सिमिलर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मतलब सिमिलर करना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों को तो डायरेक्ट हम लोग सिमिलर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, मतलब इससे इसको करेंगे सिमिलर, और इससे इसको करेंगे, तो ये जब इससे सिमिलर हो जाएगा और ये इससे सिमिलर हो जाएगा, तो इन दोनों को सिमिलर कर सकते हैं क्या, मतलब ये इससे सिमिलर हो जाएगा, ये इससे सिमिलर, मतलब ये दोनों के सिमिलर है, तो ये दोनों भी सिमिलर हो जाएगा। तो बस वही करेंगे, क्या कर लेंगे, इससे सिमिलर कर देंगे, उसके बाद इन दोनों को सिमिलर करके इन दोनों में कुछ रिलेशन लाएंगे, और इसमें भी रिलेशन आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए देखते हैं, क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको सिमिलर करना है। डायरेक्ट इसको क्यों नहीं कर सकते, मेरे पास कुछ क्लू नहीं दिया गया, लेकिन इसमें इसपे सिमिलर करने के लिए क्लू दिया गया क्या, कि ये मेरा क्या है, पैरेलल है, पैरेलल को कोई कट करे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है। ठीक है, शायद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, मुझे अच्छे से याद नहीं, आप देख लीजिएगा थोड़ा, ये और ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, या से फिर देख लीजिएगा किससे, और यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया, और यहाँ पे भी 90 डिग्री दिया गया, मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो थर्ड एंगल अपने आप इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल बराबर है किसी ट्रायंगल में, थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। अगर हम लोग लिखना चाहें ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, सिमिलर तो कर चुके, मैंने बता दिया, इस एंगल से, एंगल से, और ये एंगल इसके 90 डिग्री है दोनों, इसलिए, और थर्ड वाला अपने आप बराबर हो जाएगा। चलिए, ए ए यहाँ नेमिंग करने भी कुछ ये होता है, मतलब रूल्स होते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, ए यहाँ क्या है मेरे पास, ए कितना है 90 डिग्री, तो इसमें भी हम लोग को ए के इक्वल कौन है, जी, मतलब ए के जगह पे जी आ जाएगा। ठीक है, डी डी किसके इक्वल कर चुके हैं, डी बी के इक्वल कर चुके हैं, मतलब डी के बाद यहाँ पे बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, और ई ई ई किस, और अब कौन सा बच गया, ई बच गया इसके डी के, तो यहाँ पे डी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब डी बी जी हम लोग क्या कर दिए, डी बी जी, डी जी बी डी क्या कर दिए, सिमिलर कर दिए। ठीक है, इसको वन मान लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों में करेंगे, तो इन दोनों में वही चीज करेंगे, किससे ले रहे हैं, ए डी ई, ए डी ई सिमिलर करेंगे, किससे, ए डी ई सिमिलर करना है। इसमें भी क्या हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, और ये दोनों क्या हो जाएगा, इसको कट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 90, यहाँ भी 90 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और थर्ड वाला जो बच गया वो खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि दो बराबर, तो थर्ड को बराबर होना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, ए ए ए 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री कौन है, एफ, मतलब यहाँ पे एफ कर देंगे। ठीक है, एफ कर दिए, और उसके बाद ये एंगल इसके, मतलब सी किसके, ई के इक्वल आ गया, मतलब यहाँ पे ई किसके इक्वल आ जाएगा, सी के, तो ई के जगह पे सी, और जो बच गया, क्या बचा मेरे पास, ई बच गया, यहाँ पे हम लोग ई कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, हम लोग यहाँ देखिए, ए डी ई किसके सिमिलर है, जी बी डी के, और यहाँ भी ए डी बी किसके सिमिलर है, एफ ई सी के, मतलब इधर वाला दोनों
ये इससे सिमिलर, ये इससे सिमिलर, तो दोनों आपस में सिमिलर हो जाएगा क्या? ये दोनों सेम ही तो है, तो इन दोनों को सिमिलर कर दे क्या? तो फ्रॉम वन एंड टू क्या कर सकते हैं? ट्राइंगल जी बी डी सिमिलर कर सकते हैं ट्राइंगल एफ ई सी के, ठीक है? मतलब इन दोनों को सिमिलर कर दिए, ये भी किससे हो जाएगा? एंगल एंगल से हो जाएगा, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा एंगल एंगल से, ठीक है, एंगल एंगल से। चलिए अब जब ये सिमिलर हो गया तो हम लोग क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं रेशियो वाला, ठीक है। रेशियो लिखने का भी कुछ रूल होता है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है? एफ जी एफ जी एफ जी एफ जी कहाँ रहा है? एफ जी यहाँ पे आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या रहा है? बी जी बी जी बी जी बी जी बी जी, मतलब आगे का हम लोग क्या ले रहे हैं? दो ले रहे हैं, मतलब ऐसा ले रहे हैं, बी जी लिख लीजिए, जी बी लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका रेशियो इधर के भी आगे का दो, ठीक है, इधर आगे का दो तो इधर का भी दो, ठीक है। इसको भी क्या लिख सकते हैं? इसको भी एफ ई लिख सकते हैं, क्लियर। इक्वल टू, और क्या चाहिए मेरे पास? एफ सी एफ सी एफ सी कहाँ आएगा? इधर पीछे देखिए, आगे और पीछे वाला, तो इधर भी हम लोग किसको लेंगे? आगे और पीछे वाला जी डी, और इधर का रेशियो क्या लेंगे? एफ सी, ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जी बी इंटू एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ ई इंटू जी डी, ठीक है। अब देखिए जी बी बी जी या जी बी दोनों सेम है, यहाँ पे बी जी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एफ सी आ गया मेरे पास, ठीक है, और यहाँ एफ ई एफ ई एफ ई एफ ई तो लाना ही था हम लोग को, क्या लाना था? एफ ई के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ जी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि स्क्वायर है इसलिए एफ जी यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। इंटू डी जी डी जी डी जी डी के इक्वल हम लोग एफ जी लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे एफ जी लिख लीजिए, तो ये किसके क्या आ जाएगा? जी ऐसा एफ सी इक्वल टू एफ जी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये खत्म हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के और वाले पार्ट को देख रहे हैं। आप क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब क्या कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा ही होगा, ठीक है। मतलब क्या कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी ए हो जाएगा, ठीक है, इतना दिया गया है। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं? प्रूव डेट द थ्री टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब किसी भी एक साइड का स्क्वायर, मतलब या तो ए बी का स्क्वायर ले लीजिए, या फिर बी सी का स्क्वायर ले लीजिए, या फिर सी ए का स्क्वायर, जब किसी भी एक साइड का अगर स्क्वायर लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? इज इक्वल टू द फोर टाइम्स, मतलब थ्री टाइम्स का थ्री टाइम्स, इसके स्क्वायर का थ्री टाइम्स किसके इक्वल हो जाएगा? एटीट्यूड, फोर टाइम्स ऑफ इज वन ऑफ इट्स एटीट्यूड, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ से एटीट्यूड खींच रहे हैं, ठीक है, आप इससे भी खींच कर सकते हैं, यहाँ से भी एल्टीट्यूड खींचा जा सकता है, यहाँ से भी एल्टीट्यूड खींचा जा सकता है। एल्टीट्यूड क्या होता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर जो होता है ये आपका एल्टीट्यूड हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है मेरे पास? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो जाहिर सी बात है इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड खींचेंगे, परपेंडिकुलर एकदम बीच में आ जाएगा, मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, मतलब जितना इधर का डिस्टेंस उतना ही क्या इधर का डिस्टेंस, क्लियर। चलिए अब हम लोग को प्रूव क्या करना है? हम लोग को प्रूव करना है, मान लीजिए हम लोग इस साइड को लेके चल रहे हैं, हम लोग इस साइड को भी लेके चल सकते थे, ठीक है। चलिए लेकिन इस साइड को लेने का मकसद क्या है कि यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और इसे हम लोग कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं इसके और इसके बीच में, ठीक है। रिलेशन निकालना है इसके और इसके बीच में, कैसे निकलेगा? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मेरा 90 डिग्री है, आप लोग को पता है, ठीक है। अब हम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, एबी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या है? हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये बीडी का स्क्वायर, तो बीडी का स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस ये एडी का स्क्वायर, ठीक है, एडी का स्क्वायर। हम लोग को रिलेशन किस में चाहिए? वन ऑफ इट साइड में और इसके एल्टीट्यूड में, ठीक है। हम लोग को करना क्या है? बीडी को हटाना है, ठीक है, बीडी को हटाना, तो जाहिर सी बात है ये मेरा मिड पॉइंट है, तो ये जितना उतना ये, ठीक है, मतलब क्या बीसी का ये हाफ पार्ट होगा, ठीक है, मतलब बीडी कितना हो जाएगा? बीडी इक्वल टू हाफ पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा? बीसी, ठीक है। अब फिर बीसी लाएंगे तो एक और साइड आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग को एक ही साइड से मतलब है, और हम लोग को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बीसी इक्वल टू एबी हो जाएगा, यहाँ पे बीसी इक्वल टू एबी है, तो हम लोग बीसी की जगह एबी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस इसके बदले हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो इधर ए बी ऐसे ही छोड़ दीजिए, ए बी का स्क्वायर, बी डी, बी डी के बदले क्या लिख देंगे? ए बी बाई टू, ए बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए डी, ठीक है।
एक साइड भी आ गया और एक एल्टीट्यूड भी आ गया। अब इसमें रिलेशन निकाल देते हैं। चलिए इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर कीजिएगा ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे स्क्वायर कीजिएगा टू का स्क्वायर फोर, और यहाँ ए डी का स्क्वायर कीजिएगा ये आ जाएगा। इसको इधर कर लीजिए ठीक है, तो इधर आ जाएगा तो मेरे पास कितना जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा ए डी का स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। अब इसको लिखना चाहे तो एलसीएम लिख कर कितना लिख सकते हैं फोर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा फोर ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर ठीक है इक्वल टू इधर क्या है मेरे पास ए डी है, तो ए डी लिख लीजिए ए डी का स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ से फोर माइनस वन करेंगे मतलब फोर ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास थ्री ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे कितना बचा हुआ फोर ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा ए डी का स्क्वायर ठीक है ए डी का स्क्वायर हो गया यहाँ तक। और इसको क्या कर दीजिए उधर कर दीजिए, तो थ्री ए बी का स्क्वायर इक्वल टू फोर ए डी का स्क्वायर आ गया। और क्वेश्चन में हम लोग को यही प्रूफ भी करना था, क्या प्रूफ करना था प्रूफ डेट द थ्री टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, थ्री टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द फोर टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड यही हम लोग को प्रूफ भी करना था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का और वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इतना लंबा सा अगर आप क्वेश्चन पढ़ते रहोगे तो आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम है ठीक है। तो ये लंबा सा बस आपको उलझाने के लिए दिया है, आखिर जो मेन फैक्ट है वो नीचे जो वन और टू करके दिया गया है वो है, और इस टाइप का जो फिगर दिया गया वो है ठीक है। तो फिगर दे दिया गया, फिगर समझ सकते हैं, फिगर में कुछ समझना है नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर वन जो दिया गया है वन करके, उसमें क्या दिया है इन द गिवन फिगर इफ साइन थीटा, मेरे पास क्या दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है कॉस थ्री थीटा माइनस थर्टी दिया गया है। तो हम लोग को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, कुछ करना है नहीं, हम लोग को क्या करना इधर वाला आगे वाला हटा देना, इसके लिए क्या करेंगे इसको या तो फिर कॉस में चेंज कर देंगे या फिर इसको साइन में चेंज कर देंगे ठीक है। तो इधर करने से बढ़िया कि इधर कर देते हैं, हम लोग को ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा ठीक है। ऐसा कर सकते साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा कॉस 3 थीटा माइनस 30 डिग्री ठीक है। कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 थीटा माइनस 30 डिग्री ठीक है। थीटा को उधर कर दीजिए और 30 को इधर कर दीजिए, 30 प्लस इतना आ जाएगा, और थीटा को उधर कीजिए 3 थीटा प्लस थीटा ये कितना आ जाएगा 4 थीटा इक्वल टू 120, और थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के ही सेकेंड वाले पार्ट को देख रहे हैं, तो सेकेंड वाले पार्ट में करना क्या है हम लोग सिंपल सा हाइट और डिस्टेंस का है। इसमें क्या दे दिया गया हाइट, ये वर्टिकल हाइट मेरे पास 200 दे दिया गया है, और करना वर्टिकल हाइट 200 दे दिया गया है मेरे पास, ये अभी थीटा तो हम लोग 30 डिग्री निकाल चुके हैं, और हम लोग को रोप की जो डिस्टेंस है उसको रोप ये जो रोप की लेंथ है उसको फाइंड करना, कुछ करना है नहीं, ये थीटा है तो मेरे लिए पता है कि ये मेरे लिए क्या हो गया ये थीटा, तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर हो गया, और ये मेरे लिए क्या हो गया मेरे लिए ये हाइपोटेनस हो गया ठीक है। हम लोग को पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसका होता है, ये होता है मेरे पास साइन थीटा का, तो साइन थीटा थीटा की जगह 30 डिग्री परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरे पास ए बी, और एच 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 कितना है ए सी, इसके बदले वैल्यू पुट कर दिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, और यहाँ पे ए बी कितना है ए बी मेरे पास 200 है, 200 लिख दीजिए ए सी जो की रोप की लेंथ है, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 × इतना मतलब 400 मीटर आ जाएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं, 25 में इजी सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देखिए आसान सा है, कुछ समझना है नहीं। बोल क्या रहा है जयंती थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस, मतलब जयंती के पास दो डाइस है, मेरे पास जयंती के पास कितना है दो डाइस है, और वो फेंक रही है ठीक है फेंक रही है, तो अब वो कैसा रिकॉर्ड करती है एंड रिकॉर्ड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब क्या अगर मान लीजिए फर्स्ट में 1 आता है 1 आता है, ऐसे करके वो उसके प्रोडक्ट को मेजर कर रही है ठीक है। ऐसा आएगा सेकंड बार यहाँ तक 1 6 जाएगा, सेकंड में अगर सेकंड फर्स्ट डाइस में 2 आ रहा तो सेकंड में क्या 1, ऐसा रख के हम लोग अरेंज कर लेंगे, तो मेरे पास ऐसे करते करते यहाँ पे लास्ट में 6 तक आएगा, मतलब मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल मेरे पास 36 आ जाएगा ठीक है। आप लोग ऐसा निकाल के देख लीजिएगा 36 आ जाएगा ठीक है। चलिए हम लोग को फाइंड क्या करना है, एवरी वन द डाइस पीहू थ्रो, और एक पीहू नाम की लड़की है जो की एक ही डाइस थ्रो करती है, और वो क्या करती है थ्रो करने के बाद उसका स्क्वायर मेजर करती है, मतलब फर्स्ट टाइम में मान लीजिए 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर वो मेजर करिए, 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर, 3 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर, 4 आ रहा है तो 4 का स्क्वायर, 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर, 6 आ रहा है तो 6 का स्क्वायर ठीक है। ऐसा करके वो मेजर करती है ठीक है। क्वेश्चन का क्या रहा है, हु हैज अ बेटर चांस टू गेटिंग द नंबर 36, मतलब किसके पास अच्छा चांस है कि वो 36 ले आए ठीक है।
अगर हम लोग फर्स्ट की जयंती की बात की जाए तो अगर हम लोग इस सब से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 36 बस मेरे पास लास्ट वाले में आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट वाले डाइस में भी 6 आएगा और सेकंड वाले डाइस में भी 6 आएगा। मतलब बस चांस कितना बन रहा है 1, ठीक है। और टोटल कितना है, टोटल कितना है 36, तो यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात किया जाए पीहू की, पीहू की तो पीहू के पास कितना 36 मात्र यहाँ पे आ रहा है, जो कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके पास भी 1 ही हो रहा है, लेकिन इसके पास टोटल कितना है यहाँ पे 6 टाइम्स ही वो बेटी। तो मेरे पास बेटर चांस किसके पास है, पीहू के पास। क्यों? क्योंकि जयंती अगर 36 टाइम्स फेंके तब वो एक आने का 36 आने का चांस है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे पीहू अगर एक ही मतलब 6 ही टाइम्स फेंके तो वो 36 आने का चांस है। तो बेटर चांस किसका है, मेरे पास पीहू का है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास दो ही चांस है उसमें, या तो फिर दो ही ऑप्शन है, ठीक है, या तो यस या नो करना है, तो आपका सही भी हो सकता है गलत, मतलब अच्छा चांस है, ठीक है। अगर आपके पास 10 ऑप्शन दे दिए जाए तो आपका मैक्सिमम चांस है कि गलत ही होगा, ठीक है। चलिए, तो इस कंडीशन से 1/6 पीहू के पास ज्यादा अच्छा चांस है, ठीक है। और इसमें एक और दिया गया एन इन और करके, देखिएगा यहाँ पे एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 70 to 100 तक में एक इंटीजर चूज किया गया है। 70 to 100 करने का मतलब 71 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, 99 तक, ठीक है। चलिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, डेट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सबसे पहले करना क्या है, इन सभी के बीच में हम लोग को प्राइम नंबर लिख लेना है। तो आप लोग को अगर याद होगा तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, ये होता है और 73 होता है, और कौन सा होता है मेरे पास 79 भी बीच में आ जाता है, और कौन सा आता है 83 शायद आ जाता है, और 83 और 89 और यहाँ पे 97, ये सभी क्या होता है, प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। टोटल कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, और टोटल कितना आ जाएगा, आप 71 से 99 तक जाइएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, मतलब 6/29 फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। और सेकेंड वाले का देखना चाहिए क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाई 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सबसे पहले 71 से चूज करना है, तो 70 अगर रहता तो हम लोग 70 फर्स्ट ले लेते, लेकिन 71 से स्टार्ट करना है, मतलब बिटवीन इसके, मतलब इसके आगे और इसके पीछे, ठीक है। तो फर्स्ट 77 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, यहाँ पे 91 हो जाएगा, यहाँ पे 98 हो जाएगा, कितना नंबर आ गया 4, और टोटल कितना है 29, तो यहाँ पे मेरे पास 4/29 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, इसमें कहा क्या रहा, लंबा सा कहानी जो है मैं आपको समझा देता हूँ। एक ऐसा नाम की लड़की है, ऐसा बोल लीजिए, ईसा बोल लीजिए, कहीं ऐसा लिखा कहीं ईसा लिखा, ठीक है। ऐसा नाम की लड़की है और उसके एक मतलब पिता है, उनका नाम सूरज है, ठीक है। दोनों बहुत खुश है, खुश क्यों है, क्योंकि ऐसा जो है वो अपने क्लास में टॉपर आई है, ठीक है, टॉप की है, ठीक है। तो वो बहुत खुश है और घर आने के बाद ऐसा अपने पापा से बोलती है क्या कि पार्टी देने के लिए, ठीक है, पार्टी देने के लिए। तो उसके पापा क्या गए, होटल में गए पार्टी देने के लिए, और होटल में उन्होंने जूस मंगवाया, ठीक है, और उन्होंने देखा क्या कि जूस का जो है दो टाइप का ग्लास है, बेटर दो टाइप के ग्लास में दे रहा है, एक में क्या है कि ऐसा ग्लास है सिलिंड्रिकल है लेकिन नीचे से क्या है हेमिस्फीयर टाइप का उठा हुआ है, और दूसरा ग्लास क्या है उसमें कॉनिकल टाइप का उठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्या चूज करती है, फर्स्ट वाले को ऐसा चूज करती है और सेकंड वाले उसके पापा चूज करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन ज्यादा अमाउंट जूस का पिएगा, ठीक है, और कितना, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या गया, दोनों का रेडियस आर दिया गया है, इसके लिए हाई 10, इसके लिए भी हाई 10, और इसके लिए जो हाइट यह दिया है कॉनिकल सर्फेस का, कितना दिया है मेरे पास, कॉनिकल का दिया है 1.5 सेंटीमीटर दे दिया गया, ठीक है। तो मतलब कितना अमाउंट ज्यादा, मतलब हम लोग को सिंपली वॉल्यूम निकालना है दोनों का, ठीक है। फर्स्ट का अगर हम लोग निकालना चाहे तो फर्स्ट का कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले जो मेरे पास ये सिलिंड्रिकल शेप दिख रहा है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसका क्या हो जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम लोग कैपिटल एच कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे छोटा भी आ रहा है इसको स्मॉल, ठीक है। चलिए, पाई आर स्क्वायर एच हम लोग यहाँ पे कर दिए, ठीक है, इतना तो पूरा का हो गया, माइनस भी होगा, ये क्या हेमिस्फीयर है तो माइनस कर देंगे, कितना 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, इतना हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी आप लोग वैल्यू मत रखिएगा, जो जो कॉमन निकल जाएगा उसको पहले कॉमन निकाल दीजिएगा, उसके बाद वैल्यूज वगैरह पुट कीजिएगा, ठीक है। दोनों में से देखिए हम लोग के पास पाई निकल रहा है, आर स्क्वायर भी निकल रहा है, यहाँ क्या बच गया एच बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2/3 बच जाएगा, ठीक है। अब पाई के टर्म में ही छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों में अगर हम लोग पाई ला देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग कंपेयर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पाई यहाँ पे छोड़ दीजिए, आर 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 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एच 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 कितना है मेरे पास 10 है, तो 10 रख लीजिए, माइनस 2/3 आर कितना है 3 है, तो 3 रख लीजिए, 3 से कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई इंटू 9 इंटू
ये कितना आ जाएगा 8 मतलब 72 पाई आ जाएगा, ठीक है 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब सेकेंड वाले के लिए हम लोग निकालना चाहें तो सेकेंड वाले के लिए कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो मेरा सिलिंड्रिकल शेप का तो उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ जो कोनिकल शेप है उसका भी वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कौन सा एच स्मॉल वाला एच, क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एच लिए हम लोग, ठीक है। अब जो जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लीजिए, सबसे पहले पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, एच कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एच है यहाँ पे स्मॉल एच है, ठीक है। यहाँ पे एच माइनस यहाँ पे कितना जाएगा 1/3 स्मॉल एच, ठीक है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, एच कैपिटल एच कितना है 10 है, माइनस 1/3 इंटू एच, एच कितना दिया गया 1.5 दिया गया, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो मेरे पास पाई और आर स्क्वायर का कितना जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको ऐसे छोड़ दीजिए तो 10 माइनस कितना यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो 9 × 9 × 9.5 ये सॉल्व कीजिएगा तो 85 आ जाएगा, ठीक है 85.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं किसको ज्यादा मिला, उसके सूर्य मतलब ऐसा के पिताजी मतलब सुरेश को ज्यादा मिला, कितना मिला तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो मेरे पास 13.3 पाई सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा मिला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सेक्शन सी को और डी को कवर करके खत्म कर देंगे, ठीक है। और पीछे के वीडियोस देखने के लिए नीचे जाकर चेक कीजिए और वीडियोस देखना डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।